यूपी के अंदर इस प्रकार की लोकेशन के अंदर मतलब गाड़ी चलाने का आनंद ही अलग होता है। बाइक होती है तो आसानी से चल जाती है, एक्टिवा है तो थोड़ी सी दोस्तों। फाइनली आज का जो हमारा टूर रहने वाला है ना, वो रहने वाला है जागेश्वर महादेव, और हम बीच जंगलों के अंदर खड़े हैं और रास्ता भी यहाँ पे नहीं है, और ये पीछे आगे बाइक लेके मुकेश जी, तो मतलब कि पूरा का पूरा रास्ता यहाँ पे है, एक सिर्फ और सिर्फ एक पंडे पगडंडी है, ये पहले ओल्ड जालो जो पुराना जालो रहना वो यहाँ बसा हुआ था, ठीक है। अब एक छोटा सा रास्ता है यहाँ पे, और ये इतने सारे लोग हो चुके हैं तो मतलब कि आज बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि मतलब कि ये इस प्रकार से बोरिया वगैरह लेके चल रहे हैं, और हमें अभी तक बहुत ही ज़्यादा दुर्गम जो इलाका है ना उसका पड़ाव पार करना है, क्योंकि हम जागेश्वर महादेव मंदिर जा रहे हैं, बाइकें वगैरह वहाँ पर रख दी है, ठीक है। और ये रास्ता कुछ इस प्रकार का है, यहाँ से शुरुआत होती है रास्ते के जाने की ओम नमः शिवाय के साथ। मतलब कि पूरा जंगली इलाका है, वैसे यहाँ पे जंगल के अंदर कोई जंगली जानवर नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे जंगली जानवर ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जंगली जानवर कोई होंगे, बंदर भी यहाँ पे तो नहीं होंगे, क्योंकि सारे बंदर मेरे साथ ही चल रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए सिर्फ बावली है, बावली है बबूल की, एक झाड़ पुदीने का भी है यहाँ पे। ये देखिए ये ओम नमः शिवाय, जय सुंदामा, सुंदामा सुंदामा विराजी हुई है। पहाड़ों के बीच हमारे साथी घूम गए हैं और मुझे भी रास्ता मालूम नहीं है, क्या अब हम वहाँ पहुँच पाएंगे या फिर हम घर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पानी की बॉटल्स वगैरह कोई भी नहीं है। और ये यहाँ पे कुछ ऐसा मंजर, ये तो मैंने कहीं देखा हुआ नहीं, ऐसा मंजर ये कहाँ से आ गया, क्या शिव शंभु तेरे द्वारे आ रहे हैं, लेकिन हमारी एक जो दल है वो बिछुड़ चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो कहाँ मिलेंगे। ओह वहाँ से आवाज आ गई है, हर हर गंगे, और यहाँ पर पानी आता रहता है, लेकिन ये भी गीला गीला आप देख पाओगे। का हो और वहाँ पे फोटोग्राफी चलती हुई, फोटो कैप्चर करने के लिए बहुत ही शानदार सी जगह है ये, देखिए आप। चलिए अब चलते हैं,
और ये यहाँ का मेन मंदिर है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता, मंदिर के बारे में। और यहाँ पे लगभग पानी आता ही रहता, लेकिन अभी ये सूखा हुआ, फिर भी यहाँ पे पानी की आपको थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा। और नीचे एक पूरा भरा हुआ है, ये देखिए, यहाँ से पानी रिसाव होता है और ये पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। और यहाँ से एक दूसरा दृश्य भी मैं आपको दिखाता हूँ। जाके एक श्रवण अभी पानी भरने गया, ठीक है, पानी भरने गया ना, वो जगह है, उसके अंदर भी मैं चल के आपको बता देता हूँ। तो वो यहाँ का, ये देखिए, कुछ इस तरह से पानी आपको यहाँ पे भरना होगा। ये देखिए कितना एकदम नीट एंड क्लीन पानी है, पूरा पीने का ही पानी इन्होंने अभी भरा है, ये देखिए आप। सरवण जी, तो यहाँ की हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री अभी दिखाते हैं आपको। ये गंगा मैया है, यहाँ पे पानी आता रहता है 24 घंटे, 365 दिन। हाँ, तो इस मंदिर को मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे कौन आया था? यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि राजा गोपीचंद ने यहाँ पे, गोपीचंद ने यहाँ पे तपस्या की हुई है इस वर्ड के नीचे। ये जो वर्ड लगा हुआ ना, हाँ, ये ऊपर की साइड है। हाँ, ये 1000 साल पुराना वर्ड है। यहाँ पे राजा गोपीचंद ने तपस्या की थी, उसके बाद मृगनाथ जी ने तपस्या की हुई है। और हमारे शेरनाथ जी वासी ने यहाँ पे ये कुंड बनवाया पानी के लिए, इसको पशु पक्षी वगैरह पानी पी सकते हैं। और ये वर्ड 1000 साल पुराना है। सुनने में आ रहा है कि राजा गोपीचंद ने यहाँ पे तपस्या की हुई है। सबकी ड्यूटी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये मुकेश जी अपने, तो यहाँ पर दोस्तों अब कुछ नया करने वाले हैं। वैसे हम दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन चूल्हा वगैरह मतलब कि पूरा जला दिया, ठीक है, अच्छे ढंग से। अब हमारे पास में है ये है मैगी का सबसे मेगा पैक, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे मैगी की फ्री की मार्केटिंग हो रही है, तो इसको हम आज उबाल के खाने वाले, मतलब कि अच्छे ढंग से पकाएंगे। और यहाँ पे खाने का आनंद जो है ना, वो बहुत मज़े से आने वाला है। तो ये इस पहाड़ों के बीच की मैगी होने वाली है आपके लिए। मंदिर के अंदर पूजा हो रही है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे लाइव बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं ना। वैसे लास्ट संडे था तो हम आए थे। ये देखिए, ये इसकी जो साइज है ना, वो यहाँ तक रहती है, ठीक है, मतलब कि मेरे से नीचे है। और ये यहाँ से मैं जाना पड़ेगा, मतलब कि ये पूरा जो है ना, ये मतलब कि टिका हुआ तो पता नहीं किसके सारे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे अब पूजा चल रही है। महादेव के मंदिर के अंदर यहाँ पर आप आइए, क्योंकि कुछ नया एक्सप्लोर करना है ना आपको, कुछ नया देखना, तो इस प्रकार की जगह के अंदर आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से अभी अच्छा, जब हम मैगी को इस प्रकार से खोल के खाते हैं ना, ये मैगी के आपको टुकड़े करने थे छोटे छोटे, मैगी यहाँ से अच्छे ढंग से गर्म हो जाएगी। यहाँ पर मैं बैठ जाता, ये देखिए, जब घर पे मैगी बनाते हैं ना, तो ये वाली एक्टिविटी नहीं करते, पता, ये घर पे जब बनाते हैं ना, तो ये वाली एक्टिविटी नहीं होती है। इस प्रकार से इसको यहाँ से पकड़ के रखा है इस प्रकार से, और इतने सारे मैगी के मसाले एक एक करके फोड़ेंगे। ये देखिए आप, ये देखिए, और ये इसका टेस्ट है ना, जो घर से जो टेस्ट आएगा ना, इसका यहाँ पे है ना, ये दुगुना टेस्ट आने वाला है। ये जो टेस्ट है ना, ये दुगुना हो जाएगा, दुगुना तिगुना चार गुना हो जाएगा, क्योंकि मैगी बहुत अच्छी सी लगती है यहाँ पे। चलिए,
ये देखिए तो ये घर पे तो खाते ही है कभी कभी ऐसे पहाड़ों के बीच ऐसे पहाड़ जो पहाड़ है। अब ये नीचे लेने की तरकीब मैं आपको बता दूं, नीचे कैसे लेते हैं, ठीक है। ये लिया, अरे ये लिया इस साइड ही देखो, और गर्मा गर्म मैगी आपकी हो चुकी है तैयार। ये मैगी मजा आ रहा है। हाँ 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 बड़े बहुत गर्म है भैया, लग गया ठंडे यहाँ पर, और मैजिक मैगी खाने का मजा ही। फोटो नहीं खींचता, वीडियो बना भैया। यू क्या ये सब बर्फ में आ कि मैं फोटो कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। रेडी बिना समझ गया गुनिया आप बहुत बढ़िया, गुनिया बढ़िया डो पानी जो आप भी खाइए। मैं पता पड़ी तो बनता है, बनता है फिर मिलता है। तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों दर्शन वगैरह सब कर ली, अब चलते हैं सीधे घर की तरफ, वापस प्रस्थान करते हैं। वही दुर्गम इलाका रहेगा, नीचे की तरफ वापस जाना है, सीधे घर पे जाएंगे हम। और मतलब आज का हमने 3 से 4 घंटे यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, तो मतलब कि बहुत अच्छा लगा कि यार रियलिटी के अंदर ऐसी भी फीलिंग होती है कि आप आओ पहाड़ों के अंदर, मैगी वैगी बना के खाओ, कुछ गजब वाली फीलिंग आती है। और यह है जाकेश्वर महादेव मंदिर। खाने के बाद धोने के लिए ये स्पेशल, तो आज का टूर यहीं पे दोस्तों एंड करते हैं।